नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार जैन आज आपके लिए झारखंड के जो JSSC की PGT की जॉब्स आई हुई हैं उनका सिलेबस लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियोज़ JSSC से संबंधित और अन्य राज्यों की परीक्षाओं से संबंधित, जॉब से संबंधित आपको डायरेक्ट मिल सकें। देखते हैं दोस्तों, JSSC PGT का पाठ्यक्रम, परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है इसमें दो परीक्षाएं होनी हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र होगा जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। पूरी जो परीक्षा होगी 150 प्रश्न की वह 450 अंक की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, मतलब माइनस मार्किंग इसमें है। प्रारंभिक परीक्षा में जो एक पेपर होना है इसमें माइनस मार्किंग है, तो आप संभल कर कीजिएगा। इसका सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सामान्य अध्ययन में से 40 प्रश्न, सामान्य विज्ञान में से 20 प्रश्न, सामान्य गणित में से 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच में से 20 प्रश्न, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित 30 प्रश्न होंगे। इस परीक्षा में आपको जितनी जॉब्स हैं, जैसे कि हिंदी से 70 जॉब्स हैं, तो 70 जॉब में, 70 पोस्टों में आपको उससे 15 गुने अभ्यर्थी चयन किए जाएंगे। तो 70 के 15 गुणा करके जितने भी अभ्यर्थी होंगे उतने चयन किए जाएंगे। यह कोई इसमें न्यूनतम प्राप्तांक नहीं है, न्यूनतम अर्हतांक इसमें कुछ भी नहीं है। लिखा भी हुआ है टिप्पणी में, इस परीक्षा में कोई न्यूनतम अर्हतांक नहीं है, सिर्फ 15 गुणे अभ्यर्थियों का चयन इसमें होगा। जॉब्स जितनी है उससे 15 गुणे अभ्यर्थियों का प्रत्येक विषय में। देखते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान का जो पाठ्यक्रम है इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुपयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड भारत के पड़ोसी, भारत और भारत के पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय अर्थात करंट अफेयर्स भी होगी, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं, इस प्रकार ये क्वेश्चन होंगे। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्यिक विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। यह सामान्य अध्ययन के अंतर्गत होंगे। इसमें 40 प्रश्न आने हैं सामान्य अध्ययन से। सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। यदि आपने JSSC TGT का टेस्ट दिया है और उसमें आपने जो कंपलसरी पेपर दिया था उसमें सभी कुछ ये पूछा गया था, आपने यदि वह पेपर दिया है तो आपको पूरा विषय समझ में आ जाएगा। और यदि आपने नहीं दिया हो तो आप एक बार उस JSSC कंपलसरी पेपर को कहीं से खोज करके आप उसको देख सकते हैं। मैं भी उसकी वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। सामान्य गणित, इसमें अंकगणित, प्रथम प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न होंगे। 10वीं कक्षा के स्तर तक प्रश्न होंगे। मानसिक क्षमता में इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इसमें घटक में निम्न में से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, समृद्ध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय श्रृंखला, कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना आवश्यक है, उससे भी प्रश्न आ सकते हैं। आगे देखते हैं झारखंड राज्य से संबंधित, तो इसमें भी झारखंड का भूगोल
इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। मुख्य परीक्षा जो होगी इसमें दो पत्र होंगे। पहला पत्र जो होगा वह सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा का ज्ञान, जो कि अभी JSSC TGT का पेपर दिया था, इसमें सामान्य ज्ञान भी आया था और सामान्य हिंदी भी आई हुई थी। यदि आपने वह पेपर नहीं दिया हो तो आप वह पेपर कहीं से उपलब्ध करके खोज सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। यदि आपने दिया हो तो आपके पास उपलब्ध होगा और मैं भी उपलब्ध करा दूंगा। इसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा, इसकी 3 घंटे की अवधि है। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, इसमें कोई भी कटौती नहीं है। देखते हैं, इसमें अनसीन पैसेज होंगे हिंदी में, मतलब आपठित अनुच्छेद और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। सामान्य ज्ञान के अधीन सामान्य अध्ययन, विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान और झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न। जो अभी ऊपर सिलेबस बताया गया है सामान्य ज्ञान का, वह पूरा सिलेबस इसमें आ जाएगा, तो आपको डबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह जो आप पहले कंपलसरी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो आप अध्ययन पढ़ाई करेंगे, वही स्टडी इस मुख्य परीक्षा के फर्स्ट पेपर में काम आ जाएगी। देखते हैं, दूसरी पेपर जो होगा संबंधित विषय से परीक्षा होगी। यह भी पेपर 3 घंटे का है और इसके लिए 150 प्रश्न इसमें आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक इसमें निर्धारित हैं। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। जो पहला मुख्य परीक्षा का जो पहला पेपर है वह सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है प्रथम सामान्य ज्ञान, तो इसमें भी वही जो अभी आप हमने बताया था सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, आप देख सकते हैं वही आएगा। सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच और कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न। हिंदी भाषा में अपठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे। इस प्रकार यह होगी। तो देखते हैं हम जो मुख्य परीक्षा है जिस विषय से हमने फॉर्म भरा है उसका हम पाठ्यक्रम देखते हैं। दोस्तों, यदि आप अच्छी तरह इसमें तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर इसमें सफल होंगे, क्योंकि यह परीक्षा में इस परीक्षा में ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है और पेपर सरल आता है। इसलिए आप इस परीक्षा का अध्ययन करके आप इसमें पास होकर के अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब्स प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा का पेपर जो 2 होना है उसका पाठ्यक्रम हिंदी भाषा का देखते हैं। पहले हिंदी भाषा एवं साहित्य का जो पाठ्यक्रम है, हिंदी भाषा का इतिहास में अपभ्रंश, अवहट्ट एवं पुरानी हिंदी की भाषिक विशेषताएं, मध्यकाल में अवधि और ब्रज की साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, 19वीं सदी में खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। आप जूम करके इसको पढ़ सकते हैं या फिर रोक करके आप इसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप यूट्यूब की क्वालिटी में जा करके, आप सेटिंग में जा करके आप क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको साफ दिखाई देने लग जाएगा। स्वाधीनता संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। इस प्रकार ये हिंदी का हो गया। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास में जो कविता, नाटक सभी की, जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता, समकालीन कविता, नवगीत, गजल आदि जो चले हैं, इन सब का विकास आएगा, आप देख सकते हैं। कबीर के ग्रंथावली आएंगी इसमें, सूरदास की ग्रंथावली, तुलसीदास की रामचरितमानस, अयोध्या कांड आना है, कवितावली उत्तरकांड की भी आ सकती है, सूर्यकांत पाठी ने निराला की राग विराग, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति में से आ सकते हैं, जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी महाकाव्य है इसमें भी से आ सकते हैं, रामधारी सेन दिनकर का कुरुक्षेत्र जो है उसमें से आ सकते हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त, मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, प्रेमचंद का गोदान, फणीश्वरनाथ रेणु का मेला आंचल और प्रेमचंद मानसरोवर भाग एक में जो कहानियां हैं उसमें से आ सकती हैं, रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग एक में से भी आ सकते हैं। अब देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश लैंग्वेज एवं लिटरेचर का जो पाठ्यक्रम है इसमें आप जूम करके आप आराम से देख सकते हैं। दोस्तों मैं यहां पर पढ़ूंगा नहीं, आपको यदि साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, देख लीजिए दोस्तों आप पूरा सिलेबस। ये जो कविताएं हैं शेक्सपियर की, मिल्टन की, जेन ऑस्टेन की और वर्ड्सवर्थ की, डेक्कन की, जॉर्ज इलियट की, हेडी की, ईट्स की, द सेकेंड कमिंग, अ प्रेयर ऑफ माई डॉटर, इस प्रकार ये देख सकते हैं आप, इलियट की, DH लवरनेंस की, द रेनबो जो कविता, इस प्रकार ये सब आएंगी। अब देखते हैं संस्कृत भाषा साहित्य, संस्कृत भाषा के उद्भव विकास,
साहित्य के इतिहास में साधारण ज्ञान समीक्षा आप देख सकते हैं, महाकाव्य, नाटक, गद्य काव्य, गीतिका, संग्रह ग्रंथ आदि, उद्भव विकास इनका, प्राचीन संस्कृति, वर्णाश्रम, वर्ण व्यवस्था, पूरा इसमें भारतीय संस्कृति भी आएगी, कठोपनिषद, भगवद्गीता, बुद्ध चरितम, स्वप्न वासवदत्त, अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, मृच्छकटिकम, कृतार्जुनीयम, शिशुपालवधम, उत्तर रामचरितम, मुद्रा राक्षस, नई सतचरितम, राजतरंगिणी, नीति शतकम, कादम्बरी, हर्षचरित, इस प्रकार एक पूरे ग्रंथ आने हैं। अब यहाँ पर इन ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा बांट दिया है, बड़े ग्रंथ हैं तो कठोपनिषद में से सिर्फ एक प्रत्येक प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली में से आएगा, भगवद्गीता के अध्याय 2 से 13 से 25 श्लोक तक आएंगे, बुद्ध चरितम के तृतीय सर्ग में 1 से 10 श्लोक, इस प्रकार इसको कम कर दिया है। आप देख सकते हैं मेघदूत में भी 1 से 10 श्लोक तक प्रारंभिक, कृतार्जुनीय में प्रथम सर्ग इसमें से आएंगे, उत्तर रामचरित में तृतीय अंक आएगा और नीति सर्ग में 1 से 10 श्लोक आएंगे, कादम्बरी में सिर्फ सुखनास उपदेश और कौटिल्य का अर्थशास्त्र में ऐसे भी आना है, प्रथम अधिकरण प्रथम प्रकरण का दूसरा अध्याय आना है। इस प्रकार आप देख सकते हैं जूम करके अर्थशास्त्र का सिलेबस देख सकते हैं आप दोस्तों। ये पूरा सिलेबस दोस्तों JSSC.NEC की जो नोटिफिकेशन आई है PGT की, उस पर दिया हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, देखते जाइए दोस्तों, आप जूम करके लिखते जाएं, अपनी कॉपी पेन से लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों भूगोल का सिलेबस डला हुआ है दोस्तों। भूगोल का सिलेबस आप देख सकते हैं, प्राकृतिक भूगोल, भू आकृति, जलवायु विज्ञान, मृदा तथा वनस्पति, समुद्र विज्ञान, पारिस्थितिक, मानव तथा आर्थिक भूगोल, भौगोलिक चिंतन का विकास, मानव भूगोल, बस्ती भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, इस प्रकार भारत का भूगोल, प्राकृतिक पहलू, ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों। आप जूम करते जाइए दोस्तों और पुश करके आप देख सकते हैं दोस्तों, रोक करके देख सकते हैं, देखते जाइए। भारत, झारखंड का भूगोल भी आएगा, विश्व का भूगोल भी आ सकता है और भौगोलिक विश्लेषण की तकनीकी, ये सब इतिहास का सिलेबस आप देख सकते हैं दोस्तों। हिस्ट्री इंग्लिश में दिया हुआ है तो ये सब सिलेबस आप रोक करके देख सकते हैं। सेक्शन बी में भी इंडिया 750 से 1200 और देख सकते हैं दोस्तों आप। आगे अकबर, मुगल काल पूरा आएगा हिस्ट्री में, फर्स्ट हाफ और 18वीं सेंचुरी से। इंग्लिश में पूरा दिया हुआ है हिस्ट्री का, आप JSSC की साइट पर जाकर भी देख सकते हैं। रोक करके आप देख सकते हैं दोस्तों। ये पूरा हिस्ट्री का सिलेबस है दोस्तों, आप देखते जाइए। और कोल्ड वार, कॉलोनियल लिबरेशन, इस प्रकार आप पूरा इंग्लिश में देख सकते हैं दोस्तों ये सिलेबस। आगे है भौतिक शास्त्र, देखते जाइए, रोक रोक के दोस्तों आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप YouTube की सेटिंग पर जाकर के क्वालिटी चेंज में जाकर के वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको साफ दिखाई देने लग जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन शास्त्र में देख सकते हैं दोस्तों। देखते जाइए दोस्तों, लिखते जाइए अपनी कॉपी में, सॉलिड स्टेट, आप पुश करके रोक रोक करके लिख लीजिए। यदि आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं, वीडियो की सेटिंग में जाकर के, यूट्यूब की सेटिंग में जाकर के क्वालिटी चेंज में आप 720 पिक्सल वाली कर सकते हैं, जिससे आपको साफ दिखाई देने लग जाएगा।
देखते जाइए दोस्तों रसायन शास्त्र का सिलेबस। मैथमेटिक्स ये पूरा सिलेबस पीजीटी का है जो जेएसएससी की निकली हुई है दोस्तों। यदि आप इसमें थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आप इसमें ज़रूर सफल होंगे और एक अच्छी जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, दिल से कभी अपन को हार नहीं मानना चाहिए। मैथमेटिक्स का सिलेबस आप देख सकते हैं दोस्तों। प्रोबेबिलिटी मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स डायनामिक्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लॉजिक कॉमर्स का सिलेबस है दोस्तों देख सकते हैं। अकाउंटिंग एडिटिंग एंड टैक्सेशन दोस्तों आप jssc.nic.in पर भी जा सकते हैं और उस पर आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखते जाइए दोस्तों आप जूम करके रोक करके। बायोलॉजी जियोलॉजी का सिलेबस आप देख सकते हैं। जनरल सर्वे प्रोटोजोआ पोलीफेरा एथोलॉजी बायोस्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स जूलॉजी दोस्तों आप इस सिलेबस को लिख सकते हैं रोक रोक करके। आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए और यदि आपको पूरा सिलेबस चाहिए है तो jssc.nic.in पर जा कर के जो पीजीटी की नोटिफिकेशन आई हुई है उस पर पूरा सिलेबस लिखा हुआ है दोस्तों। आप उस पर जा कर के भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं सिलेबस का। लिखते जाइए दोस्तों। एम्ब्रोलॉजी आगे है बायोलॉजी। बायोलॉजी के जो भी दोस्त बायोलॉजी से फॉर्म भरे हैं वह बायोलॉजी का सिलेबस देख सकते हैं। सभी विषयों का सिलेबस हमने यहाँ पर दिया हुआ है आपको, आप रोक रोक करके लिख सकते हैं। सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन फिजियोलॉजी एम बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री इकोलॉजी। इस प्रकार दोस्तों ये सिलेबस हुआ। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले भी और भी झारखंड जेएसएससी से संबंधित वीडियोस आपको मिल सकें। नमस्कार दोस्तों।